फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने मोबाइल फोन में एसडी कार्ड या फिर मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करते होंगे तो आपने डैमेज्ड एसडी कार्ड का एरर जरूर देखा होगा अपने मोबाइल फोन में। इसमें इस तरह से डैमेज का मैसेज आता है और एसडी कार्ड इज डैमेज्ड और ट्राई रीफॉर्मेटिंग इस तरह से लिख करके आता है और आपको बार बार फॉर्मेट करने के लिए आपका एसडी कार्ड कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में जिनकी हेल्प से आप अपने मोबाइल फ़ोन के एसडी कार्ड को बिना फॉर्मेट किए या फिर आप ये कह सकते हैं कि बिना डाटा लॉस के डैमेज जो है रिपेयर कर सकते हैं। सो हाय गाइस, माय नेम इज मोहम्मद शब्बीर एंड यू आर वाचिंग मोबीकॉम टिप्स। तो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने मेमोरी कार्ड को कार्ड रीडर की हेल्प से अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कराएंगे और जैसे ही हम कनेक्ट कराएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उसकी कुछ डिटेल्स होगी 7.52 GB फ्री ऑफ 14.3 GB। तो इस तरह से यहाँ पे जो डाटा है एक तरह से शो कर रहा है कि कितना डाटा इसके अंदर है, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा और डैमेज का एरर आ रहा है बार बार। तो इस तरह की एसडी कार्ड को बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से विंडो की और आर की को एक साथ में प्रेस करना होगा और जैसे ही आप विंडो की और आर की को एक साथ दबाएंगे रन की विंडो खुल जाएगी। तो जैसे ही रन विंडो खुलेगी उसमें CMD टाइप करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी विंडो की और आर की को एक साथ में प्रेस करता हूं अपने कीबोर्ड से। तो इस तरह से रन विंडो ओपन हो जाएगी और ओपन होने के बाद यहां पे CMD हम टाइप कर देंगे और CMD यहां पे लिखने के बाद ओके की बटन पे क्लिक कर देंगे और ओके की बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। और कमांड प्रॉम्प्ट जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर CHKDSK कमांड का यूज करेंगे, लेकिन इसको यूज करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एसडी कार्ड हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट है उसका ड्राइव लेटर क्या है। तो इसके लिए हमें फिर से माई कंप्यूटर के आइकन पर डबल क्लिक करके ओपन करना होगा और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ड्राइव लेटर है हमारे एसडी कार्ड का वो D है। तो इस तरह से हमें अपने एसडी कार्ड का या फिर मेमोरी कार्ड का जो ड्राइव लेटर है कंफर्म हो गया कि डी है। तो अब हम इसके बाद फिर से अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे CHKDSK। CHKDSK टाइप करने के बाद एक स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद जो हमारे मेमोरी कार्ड का ड्राइव लेटर होगा वो यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसा कि मैंने अभी शो किया था कि मेरे जो मेमोरी कार्ड का ड्राइव लेटर वो डी है, तो डी यहाँ पे शो कर देंगे। उसके बाद में कॉलन कॉलन के बाद फिर स्पेस देंगे और स्लैश स्लैश के बाद फिर F लिखेंगे और F लिख के अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आपके मेमोरी कार्ड में जो भी डैमेज फाइल या फोल्डर होंगे वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सिर्फ इंतज़ार करना है, जैसे ये प्रोसेस कम्प्लीट हो जाता है तो कम्प्लीट होने के बाद आप अपने एसडी कार्ड को या मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करके अपने मोबाइल फ़ोन में लगाएंगे और वो जो है काम करने लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में आप अपने फ़ोन के एसडी कार्ड को बहुत ही आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मोबीकॉम टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।